मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज विकास कुमार गुप्ता। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, और ये वीडियो स्पेशली मैं नीट स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में हमें चार टॉपिक्स को पढ़ना है। पहला जो टॉपिक है व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है। दूसरा जो टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। एंड थर्ड टॉपिक जो है हमारा वो टैक्सोनॉमी है। एंड फोर्थ वन इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। और सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज लिविंग, लिविंग होता क्या है। जब भी हम कोशिश करते हैं, जब भी हम ट्राई करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने का, तो हम कुछ उसके कैरेक्टर को देखते हैं कि अगर जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर है वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा, और जिस भी ऑर्गेनिज्म में अगर ये कैरेक्टर नहीं होंगे वो नॉन लिविंग होता है। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं। पहला है ग्रोथ। जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग हैं उनमें ग्रोथ होती है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दूसरा कैरेक्टर है कि रिप्रोडक्शन मीन्स री मीन्स वंस अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन। मीन्स हम जैसे हैं अपने ही जैसे किसी संतान को बना देना, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देना, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, सिमिलर टू देमसेल्फ, दैट इज रिप्रोडक्शन। एंड मेटाबॉलिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म सो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स वो सारे केमिकल रिएक्शन जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो सारे लिविंग के अंदर होता है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। आप जानते हो मेटाबॉलिज्म मीन्स हजारों केमिकल्स रिएक्शन हमारे बॉडी में होते रहते हैं, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड वन इज कैटाबॉलिज्म। सो वन बाई वन आई विल डिस्कस विथ यू। और हमारा जो फोर्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यू नो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो फोर्थ हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड फोर्थ फिफ्थ वन कॉन्शियसनेस मीन्स सेंस टू एनवायरनमेंट। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस टू देयर एनवायरनमेंट। हर कोई जो जितने भी लिविंग हैं वो क्या होते हैं, उनमें सेंसिटिविटी होती है। किसी अपने वातावरण में अगर कुछ भी हो रहा है तो अपने हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो किसकी प्रॉपर्टी है, पांच, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। ये पांच कैरेक्टर हमें डिस्कस करना है, ठीक है। ये केवल पांच ही कैरेक्टर नहीं होते, इसके अलावा भी होते हैं, जैसे रेस्पायरेशन हो गया, ठीक है, एक्सक्रीशन हो गया, और जो लिविंग होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। तो सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करेंगे। ग्रोथ होता क्या है। ग्रोथ सिंपली मीन्स ये होता है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके मास में इंक्रीमेंट होना, नंबर ऑफ सेल में इंक्रीमेंट होना, या उसके वेट में इंक्रीमेंट होना, दैट इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो जितने भी लिविंग हैं उनमें ग्रोथ होती है। और ये जो ग्रोथ है, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में आप देखोगे कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है, ठीक है, पूरे जीवन भर उसमें ग्रोथ होता रहता है। क्यों होता रहता है, जो प्लांट होते हैं उनके रूट टिप पे या शूट टिप पे मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ओके। और लेकिन एनिमल्स की अगर बात करें, एनिमल में एक सर्टेन एज तक ही केवल ग्रोथ होती है। जो एनिमल्स होते हैं उनमें केवल एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होता है। हमारा 19 से 20 या इतने तक जाते जाते हाइट रुक जाती है, ठीक है। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि एनिमल्स में ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन कभी कोई बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है या चोट लग जाती है हमें, तो वहाँ पर हमारे बॉडी को जो चोट लगा है, जो घाव लगा है, उसको क्योर करने के लिए वहाँ पर सेल डिविजन होता है, उस जो लॉस्ट सेल हुआ होता है उसको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है कंटिन्यूअसली प्लांट ग्रो करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। और ये मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो रूट के टिप पे और शूट के टिप पे, ठीक है। और फिर बात करें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ ग्रो होते हैं, जो इनमें ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ सेल डिविजन, सेल डिविजन से इनमें ग्रोथ होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर हम बात करते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स और एनिमल्स, इनमें जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या है कि जब जिस टाइम पे हम ग्रोथ कर रहे होते हैं, मतलब मीन्स हम क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उनमें ग्रोथ एक टाइम पहले हम ग्रो करते हैं, ठीक है, मैच्योर होते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं।
तो हम लोगों को सीधा दिखता है कि हाँ हम एक एज तक 15-16 जो भी 16 एज तक जाते हैं, फिर एक मैच्योरिटी या रिप्रोडक्टिव फेज आती है, ठीक है। तो एक अलग अलग, जिस समय हम ग्रो कर रहे हैं तो उस समय हम रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ अलग अलग होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो वो बैक्टीरिया छोटे ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, हम इसे नहीं बता सकते कि कब इनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है और कब ग्रोथ हो रहा है। आप देखोगे कि एक अमीबा, छोटा सा अमीबा जो है, छोटा अमीबा जो है, हर जो बैक्टीरिया होते हैं हर 20 मिनट्स पे डिवाइड करते हैं, मैच्योर होती है, क्या बना दे रहा है, दो डॉटर सेल। इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, लेकिन जो लिविंग में जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं, इनमें जिस समय ये ग्रो कर रहे हैं तो उस समय रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एक सर्टेन एज एक्वायर करके तभी उनमें दोनों फेज अलग अलग होती हैं। इसलिए जो प्लांट, हायर प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। और जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं, आपको पता है हमारी ये चीज़ें ग्रो नहीं करती हैं, तो डेड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो। फिर जो ये ग्रोथ है, क्या जो ग्रोथ की प्रॉपर्टी है, ये जो पांचों प्रॉपर्टी है, क्या केवल लिविंग में ग्रोथ होती है? तो ऐसा नहीं है। जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज द नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? डिफाइनिंग मीन्स दोज कैरेक्टर्स विच आर ओनली प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मस्ट बी एब्सेंट इन द ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स ये जो कैरेक्टर है केवल और केवल लिविंग में हों और सारे नॉन लिविंग में ना हों, तभी हम कह सकते हैं ये जो कैरेक्टर है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये जो पांचों कैरेक्टर अगर केवल लिविंग में है तभी हम बोल सकते हैं ये कैरेक्टर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लेकिन बात करेंगे हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ग्रोथ कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जैसे माउंटेन्स हो गया, सैंड मोल्ड्स हो गया, इनमें भी ग्रोथ होता है। जैसे आप कभी विजिट करो डिजर्ट्स एरिया वगैरह, तो आप देखोगे कभी कभी बालू के टीले ऐसे हो जाते हैं, या माउंटेन्स हैं जब कभी कोल्ड का सीजन आता है तो उनके सरफेस पे क्या होता है, बर्फ बहुत सारे एक्युमुलेट हो जाते हैं, या कभी इवन जब हम बारिश होती है तो पॉन्ड हो गए, तालाब ये सब भर जाते हैं, ओके। तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर रहे हैं और लिविंग भी, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ आर ग्रोइंग। तो हम ये नहीं कह सकते ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ग्रोथ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज हमने बात की ग्रोथ का, कि जितने भी लिविंग हैं उनमें ग्रोथ होती है, ठीक है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये दो कैरेक्टर हैं इसके लिविंग के। फिर क्या है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें कंटिन्यू ग्रोथ होता रहता है बिकॉज ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ठीक है। जो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, दोनों में सेल जो ग्रो करती है बाई सेल डिविजन। और एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक जो ग्रोथ होता है, ठीक है, लेकिन हाँ कभी मैंने बोला कभी अगर बाई चांस चोट लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए, वहाँ पे जो अगर टिश्यू सेल हमारा लॉस हो गया तो वहाँ पे सेल डिविजन होता है। और ये मैंने बात किया हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। और हाँ, अगर हमें सेल के नंबर को काउंट करना हो तो हम इन विट्रो कल्चर के द्वारा सेल के नंबर को काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और नॉन लिविंग की मैंने बात की, उसके एग्जांपल माउंटेन्स हो गया, सेल मोल्ड्स हो गए, और भी सारे एग्जांपल हैं। और डेड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।